सवाल नंबर 6 तो आपने पहले लड़े थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब सातवां क्वेश्चन, सातवां दे रखा है x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा होता है? क्वेश्चन में आया हुआ है आपके 9th में, x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले कि x अक्ष पर बिंदु बताना है, x अक्ष पर बिंदु मतलब ये तो है आपके y अक्ष और ये क्या है आपके x अक्ष, ये x किस पर कोई बिंदु हो, ये जैसे यहाँ बिंदु है मान लो ये एक नंबर है और यहाँ क्या आ रहा है आपके जीरो, तो x का तो एक कहलाएगा लेकिन y का क्या कहलाएगा आपके जीरो कहलाएगा, और यहाँ है तो दो और जीरो, और इधर है तो माइनस का एक और जीरो, पर y का मान तो आ ही नहीं रहा है, कितना मान आ रहा है आपके x का मान आ रहा है, जल्दी ज्यादा आएगा ध्यान दो एक्स अक्ष जब भी हो मतलब एक्स अक्ष में पूछा है तो क्या होगा, एक्स का मान तो आएगा लेकिन वाई का मान क्या आएगा आपके जीरो, तो उत्तर हो जाएगा आपके एक्स और जीरो, और वाई एक्स पर हो तो अगर वाई एक्स पर बिंदु गए तो क्या लिखेंगे बताओ, वाई एक्स पर बिंदु गए तो लिखोगे जीरो और वाई, मतलब एक्स का मान तो जीरो होगा तो y का मान कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ जीरो हो गए तो हो जाएगा आपके मूल बिंदु हो जाएगा ओरिजिन, आगे समझ में। अब इसमें क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो दो माइनस पाँच और माइनस दो और नौ से क्या है समझो और का इसके बीच में, एक को इधर लिखना है एक को उसको वो बहुत दूर लिखना है और जिसके बीच में हो उन दोनों को दूर दूर लिखना है, जैसे और देखो एक तो दे रखा है आपके दो और माइनस का पाँच और का है तो सीधा इधर माइनस का दो और कितना हो गया है आपके नौ, इन दोनों के बीच में एक बिंदु है। अब देखो आपके वह बिंदु ज्ञात करना है, अब वो देखो ध्यान एक्स अक्ष से क्या है आपके समदूरस्थ, एक्स कौन सा बताओ, अभी मैंने बताया था एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है एक्स और जीरो से ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर है, एक तो आता है आपको सीधी लाइन, सीधी लाइन तो लिखनी है आपने जब अनुपात दिए हो, अनुपात दिए हुए नहीं है और क्या दे रखी है दूरी दे रखी है, तो दूरी देखो कैसे दो ध्यान दो, जैसे मान लो ये सात है या मान लो कोई भी अक्षर जैसे एक आदमी यहाँ बैठे एक आदमी यहाँ आ रहे एक आदमी यहाँ पर, तो ये दूरी भी क्या हो सकती है आपके बराबर, आदमी यहाँ हो तो ये दूरी भी क्या हो सकती है बराबर, आदमी यहाँ हो तो भी दूरी क्या हो सकती है बराबर, आपको ऐसा लिखना है क्योंकि इनके बीच में अनुपात नहीं है, क्या दे रखी है दूरी, तो दूरी कभी सीधी नहीं होती तिरछी होती, यहाँ भी हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे मान लो ये दो आपका यही है ये दूरी भी हो सकती है, लेकिन सीधी दूरी मतलब अगर आपके अनुपात दिए हुआ है जैसे 7.2 में अनुपात तो फिर आप क्या होगा वो एक ही लाइन पर होंगे, और अगर दूरी बराबर हो तो ऐसे लिख दो तो भी राइट है, ऐसा लिख दो तो भी राइट है, ऐसा लिख दो तो भी कैसे लिख दो आप, मतलब दोनों के बीच में ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर, अगर दूरी बराबर है तो हमें क्या ज्ञात करना है x का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना, या x क्या आएगा ये करना है हमें ज्ञात करना, यहाँ बिंदु आ जाएगा पाँच आया था आ जाएगा पाँच और जीरो, अगर सौ सात आया तो सात और जीरो, अब ये जैसे ये तो हो गया आपके ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, दोनों तरफ दूरी बराबर है, दूरी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा आपके अंडर रूट, अब ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर होगा आपके ए सी, पहले में से पहला घटाना है, जोड़े तो घट जाए घटाना है और घट जाए तो जोड़ना है, इन दोनों में तो क्या है प्लस है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हम लिखेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस इधर का इधर हल करेंगे और ए सी का इधर हल करेंगे, दूरी निकाल लेंगे तो पहले इन दोनों दूरी निकालेंगे फिर हम इन दोनों दूरी याद करेंगे, फिर देखो दूसरे में दूसरा घटाएंगे
यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर। अब इधर ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ये प्लस, अगली वाली संख्या देखनी, ये अगली वाली एक्स, ये माइनस दो, दोनों घट रहे हैं, हम जोड़ लेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, जोड़ हो रही, तो बाकी कर माइनस कर दो, 0 - 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। अब इसके लिए आगे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा पहले गो नियम लगेगा आपके, ए प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस है तो पूरे प्लस लगाओ, माइनस है तो क्या लगाना है, माइनस लगाना। सबसे पहले ये वाला, पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 × पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसा था, इसको हमने ऐसा बना दिया। फिर यहाँ क्या दे रखा है, 0 और 5 5 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पर इसको हल करो, पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 × पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। और ये किसका होगा, प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दो स्क्वायर से दो स्क्वायर कैंसिल। ये तो हो गया आपके माइनस का कितना हो गया है, 4। ये है प्लस का 25। इधर दे रखा है प्लस का 4 है, और प्लस से कितना हो गया आपके 81। यहाँ साइन कौन सा है, इक्वल का है, बराबर का है, तो जो इधर से कटेगा वही इधर से कटेगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये प्लस का 2 स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस, अलग अलग है, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो कटेंगे नहीं, ये ऑलरेडी जुड़ जाएंगे। जैसे लोग माइनस में 4x है और ये प्लस का इधर किसमें हो जाएगा आपके, माइनस में हो जाएगा। ये 81 है, ये प्लस का इधर एक्स में हो जाएगा आपके माइनस, जब कट नहीं रहे दोनों, ऑलरेडी हम दोनों जुड़ रहे हैं, कितना हो गया माइनस के, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना, तो जोड़ लिया 4 4 कितना हो गया 8, चिन्ह कौन सा लगेगा, दो संख्या बड़ी है, अब दोनों ही दोनों बराबर ही है, कोई चिन्ह लगा दो, दोनों माइनस के ही है। 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, मल्टीप्लाई का डिवाइड गुणा है तो भाग में, एक्स बराबर होगा 56 - 8, भाग दो 7 बार, और 7 गया माइनस के, तो हमें वो बिंदु क्या करना है, बिंदु ये रहा, वो बिंदु कौन सा है, माइनस का 7 और 0, एक्स एक्स का बिंदु है, एक्स का मान ही आएगा, वाई का मान नहीं आएगा। अगर इस पर कई बिंदु लड़ना है, -1 -2 -0 -5 0 -7 0, अर्थ जो भी पॉइंट आए वो वर्ड पॉइंट है, तो ये यहाँ से इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है आपके, बराबर है।